हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, ये अपॉर्चुनिटी हमारे गोदरेज कंपनी में निकाली गई है। गोदरेज कंपनी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे 25 जुलाई 2024 को ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया था रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है, ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी हो या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी की रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी, ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लॉ अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। अब बात कर लेते हैं हम लोग आज के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। सबसे पहले मैं आप सभी कैंडिडेट्स को गोदरेज कंपनी का ओवरव्यू देना चाहता हूं, ताकि आप सभी कैंडिडेट्स डिसाइड कर पाएं कि आपको इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बनना है या फिर नहीं। गोदरेज ग्रुप इंडिया का ओल्डेस्ट और मोस्ट रिस्पेक्टेड ग्रुप है, जिसको फाउंड करा था अर्देशिर गोदरेज ने, और अर्देशिर गोदरेज एक प्रैक्टिसिंग लॉयर थे जिन्होंने अपनी प्रैक्टिस को क्विट करके मैन्युफैक्चरिंग और एंटरप्रेन्योरशिप में एंटर किया। और गोदरेज ग्रुप का ही कंपनी है जो कि नाम है गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड, इसी में ये आपकी वैकेंसी निकाली गई है। गोदरेज एग्रोवर्ट लिमिटेड एक हमारी एग्री बिजनेस कंपनी है जो कि फाउंड हुई थी 1991 में, और इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई में। और गोदरेज एग्रोवर्ट लिमिटेड वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एनिमल फीड की इंडिया में, और ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट फॉर डेयरी केटल, ब्रॉयलर, फिश, श्रिम्प और एक्सेट्रा में। और ये जो हमारा एग्रोवर्ट लिमिटेड कंपनी है प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर भी करती है प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स के लिए, और साथ ही साथ ये एक लार्जेस्ट ऑयल पाम कल्टीवेटर है इंडिया में, और ये बिजनेस कंडक्ट करती है क्रूड पाम ऑयल में, और साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करती है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को भी। आज की डेट में गोदरेज एग्रोवर्ट लिमिटेड के 2500 से लेके 3000 तक के एम्प्लॉइज इन्होंने हायर कर रखे हैं, और फिलहाल इनका सीईओ बलराम यादव है। तो यही आपको कंपनी के बारे में मैं थोड़ा ओवरव्यू देना चाहता था। आप लोग इस कंपनी में अप्लाई करने से पहले एक बार खुद से भी कंपनी का ओवरव्यू जरूर लीजिएगा। बाकी थोड़ा बहुत मैंने आप कैंडिडेट्स को ओवरव्यू प्रोवाइड कर दिया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इस एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। गोदरेज एग्रोवर्ट लिमिटेड हमें जो डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है वो हमें असिस्टेंट मैनेजर इन लीगल डिपार्टमेंट में वैकेंसी ऑफर कर रहा है, और इन्होंने क्लियरली अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि आपकी जो जॉब लोकेशन होने वाली है वो आपकी मुंबई रखी गई है। साथ ही साथ इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप एक LLB डिग्री होल्डर हैं, यानी कि अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव आप लोगों ने 3 ईयर का LLB कोर्स करा है या फिर 5 ईयर का BA LLB का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जिसने LLM यानी मास्टर्स की डिग्री भी ले रखी है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, फ्रॉम अ रेप्यूटेटेड इंस्टीट्यूशन, तो वो कैंडिडेट भी इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग। इन्होंने क्लियरली मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट्स को 4 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है, यानी अगर आपको एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 4 साल कंप्लीट हो चुके हैं और आप अपनी स्किल्स को कॉर्पोरेट में यूज करना चाहते हैं, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मेक श्योर करें कि आप कैंडिडेट्स को एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के तौर पे 4 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। ऊपर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस में क्लियरली मेंशन करा है कि मिनिमम आपके पास 4 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे।
अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट्स के पास लिटिगेशन मैनेजमेंट की स्किल्स होनी चाहिए, आपको लीगल रिसर्च और एनालिसिस करना आना चाहिए, आपको कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग और नेगोशिएशन करना आना चाहिए, और साथ ही साथ आपको केस असेसमेंट और स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट करने की भी स्किल होनी चाहिए। और इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट्स को कंप्लायंस मैनेजमेंट भी आना चाहिए। तो ये इन्होंने आपके स्किल्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है जो कि आपके पास होनी चाहिए, तभी आपको इस पोजीशन के लिए हायर किया जाएगा। तो ये गोदरेज एग्रोवर्ट लिमिटेड ने अपने एडवर्टाइजमेंट में आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स को आपके एप्लीकेशन फॉर्म के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, और जिस भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा एचआर यानी ह्यूमन रिसोर्स के द्वारा उसका रेज्यूमे उस कैंडिडेट को फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए एचआर के द्वारा कॉल आएगा, और उसमें आपसे बेसिक चीजें पूछी जाएंगी। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि आपका करंट सीटीसी क्या है, आपका एक्सपेक्टेड सीटीसी क्या है, आपसे आप कैंडिडेट्स का इंट्रोडक्शन लिया जाएगा, आप कैंडिडेट्स को कंपनी का ओवरव्यू दिया जाएगा एचआर के द्वारा। अगर आपको पहले से पता होगा तो इससे सिर्फ डिफरेंस ये क्रिएट होता है कि एचआर को लगता है कि आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं जिसने कंपनी का ओवरव्यू लेके ही कंपनी में अप्लाई करा है। जो भी कैंडिडेट एचआर के फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू के क्लियर करेगा उसी कैंडिडेट को सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आगे लीगल टीम के पास आपके कैंडिडेटचर को भेजा जाएगा। और अगर आप सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू में अपने लॉ के रिगार्डिंग क्वेश्चन का भी अच्छा खासा आंसर करते हैं तो आपको फाइनली जिसके अंडर में एज अ असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे आप हायर किए जाएंगे वो मैनेजर आपका फाइनली थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू लेगा। तो यही आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेम्यूनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। आप सभी कैंडिडेट्स को बताना चाहता हूं, प्राइवेट कंपनीज जो भी अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे वैकेंसी निकालती है वो वहां पे कभी भी आपको सीटीसी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करती है अंटिल एंड अनलेस उसने अपनी वैकेंसी लिंक्डइन के थ्रू निकाली हो या फिर naukri.com पे निकाली हो। naukri.com पे इसलिए सीटीसी मेंशन करा जाता है क्योंकि वहां पे फिल्टर का ऑप्शन होता है। तो ये आप कैंडिडेट्स को इन्होंने गोदरेज एग्रोवर्ट लिमिटेड ने सीटीसी यानी रेमुनरेशन के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन अपने एडवर्टाइजमेंट में नहीं प्रोवाइड करी है। हालांकि कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने ऑफिशियल वेबसाइट में जब भी एडवर्टाइजमेंट रिलीज करती है कभी भी सीटीसी के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराती है। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा जैसा कि अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा है। आप चाहे तो इस एडवर्टाइजमेंट को खुद से अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके पढ़ सकते हैं। आप कैंडिडेट्स को असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करना होगा। अप्लाई पे क्लिक करने पे आपको क्लियरली पता चलेगा कि आप कैंडिडेट्स को पहले लॉग इन करना होगा तभी आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी कैंडिडेट्स को ओके पे क्लिक करना है, और ओके पे क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप यहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक करेंगे और अपने को यहाँ पर रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर अपने आप को लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखी गई है, फॉर्म आपका फ्री ऑफ कॉस्ट का फॉर्म है। लेकिन आप सभी कैंडिडेट्स मेक श्योर करें कि जब भी आप इस फॉर्म को फिलअप करने बैठे आपके पास अपने अपडेटेड रेज्यूमे का पीडीएफ होना चाहिए, क्योंकि आपको इनके पोर्टल पे अपने रेज्यूमे को अपलोड करना होगा। तो आप कैंडिडेट ऐसे ही इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सकते हैं। बाकी फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज हो तो आप कैंडिडेट्स जानते हैं कि मुझे कैसे रीच आउट करना है। बाकी जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता उन कैंडिडेट्स को बताना चाहूंगा कि आप कैंडिडेट्स मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पर टेक्स्ट मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब पे अपने कॉमेंट को ड्रॉप कर सकते हैं। मैं अपने एंड से पूरी कोशिश करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही शुरू कर पाए। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी जो हमें गोदरेज एग्रोवर्ल्ड लिमिटेड ने अपने एडवर्टाइजमेंट में बताई थी। बाकी आप सभी कैंडिडेट्स को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूं। लास्ट 15 टू 20 डेज में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आई हैं। मैंने हर एक वैकेंसी को चैनल पे कवर करा है, और मैं चाहता हूं कि आप सभी कैंडिडेट्स लास्ट 15 टू 20 डेज के हर एक वीडियो को एक बार जरूर देखें। और आप कैंडिडेट्स का जिस भी फॉर्म के साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच करता हो मेक श्योर
करें कि आप उस फॉर्म को जरूर फिलअप करें। रिसेंटली अभी ईडी ने भी अपनी वैकेंसी निकाली है, जिसको आप सभी लोग एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट के नाम से जरूर जानते होंगे। आप वहां पे भी अपने फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप सभी कैंडिडेट्स के लिए चैनल पे बहुत सारी वैकेंसीज बाहर निकल के आ रखी है, तो मेक श्योर करें कि आप एक बार चैनल को जरूर विजिट करें। बाकी आप कैंडिडेट्स को वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं। थैंक यू सो मच।